कि आज की डेट में 11 जुलाई को ना पवनदीप राजन और अरुणिता मैम निकल चुकी हैं अभी। और यहाँ से चलो मैं और नीचे फेंक दूंगी, यहाँ से काफी नीचे। ए, सॉरी सॉरी। वहाँ पे वीडियो शूट चला था जिसकी आगे मैं आपको क्लिप चला दूंगा, जो कि मैंने हिमानी कोरंगा जी के यूट्यूब चैनल से उठाई है। बाकी यार अगर आपको पूरा कंटेंट देखना ना, एक बार उनका चैनल विजिट कर लीजिए। क्या बोलूं? हाँ, उसको भी देखो, दूसरी वाली को भी देखो। हाँ, ऐसे खतरनाक किया ना। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल धामी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बॉयज, तो यार बॉयज अभी सुबह का ऑलमोस्ट 8:30 के करीब हो रहा है। बाकी यार अभी मेरी तैयारी है यहाँ पे अपने इष्ट देव स्वामी हरिचंद देवता जी के मंदिर में। बाकी यार कई लोग सोचे होंगे मैं पिथौरागढ़ से अचानक अपने गांव कैसे। बाकी यार कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं पिथौरागढ़ से मतलब मुंशहरी गया था पवनदीप राजन के साथ या फिर डायरेक्ट गाँव ही आया हूँ। तो उसका जवाब मैं आगे आपको ना वीडियो में दूंगा। बाकी यार आज के मौसम की बात करें तो काफ़ी तगड़ा मौसम है। बाकी यार कल मैंने एक ब्लॉग शूट किया था जो कि मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, बट आज ना आज के लिए मैं मतलब आपको पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि यार कई लोग ना कमेंट बॉक्स में उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब पूछे थे कि आपने हमारी ब्यूटी क्वीन के साथ फ़ोटो क्यों नहीं ली। बाकी उनको कवर अप तो किया था बट उनके साथ ना मैंने फ़ोटोज वोटोज नहीं ली यार वॉइज। तो आज की इस वीडियो में उसी का न्यूज़ अपडेट दूंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए वॉइज आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यार भाई लोग, जब तक मैं ना मंदिर में दिया बाती करता हूँ यानी भगवान जी को थैंक यू बोल के आता हूँ, तब तक आप लोग ना मुंशहरी वाली क्लिप देखिए जहाँ पे पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल मैडम गए थे। बाकी हिमानी कोरंगा जी भी उनके साथ थी, तो ये क्लिप मैंने उन्हीं के चैनल से उठाई है। होप करता हूँ कि हिमानी कोरंगा जी मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर तस्वीरें निकल कर आ रही है मुंशहरी से बॉयज। यहाँ से चलो मैं और नीचे फेंक दूंगी, यहाँ से काफी नीचे। सॉरी सॉरी, चल रहा ओटीएस चल रहा है, ठीक है। रोल रोल एक्शन। क्या बोलो? हाँ, उसको भी देखो, दूसरी वाली को भी देखो। हाँ, ऐसे खतरनाक किया ना। सही है, वो परफेक्ट है। वो किसी बच्चे को बुला रहा है ना, और तुम ऐसे हैरान होके देख रही हो। तुम हैरान होके देख रही हो, किसी बच्चे को दिखा रहा है लेटर वेटर है ना। बट ठीक है, मुझे भी चाहिए लेटर। हाँ, तो यार भाई लोग अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ फिर मतलब मंदिर से, मतलब मंदिर में ना भगवान जी को थैंक यू बोलने गया था, बिकॉज ना YouTube पे इतना अच्छा सपोर्ट जो मिला है आप लोगों का। और इसके लिए ना मैं एक बार आप लोगों को भी ना थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फैमिली, जो आपने मुझे इस लायक समझा, मतलब कि मेरी वीडियोज़ को इतना आप लोगों ने पसंद किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अपनी लाइफ का। बाकी यार मैं आपको बता देता हूँ कि कल ना मैं सीधे पिथौरागढ़ से अपने गाँव ही आया था, बिकॉज मेरे को भगवान जी को थैंक यू करना था। और अगर मैं पवनदीप राजन भाई को बोलता ना कि चलता हूँ आपके साथ मुंशहरी, तो एग्री नहीं करते हो, क्योंकि ना उनका मतलब गाने का शूट या फिर कुछ जो भी शूट चल रहा था ना, तो उसके बीच में मेरा डिस्टर्ब हो जाता अगर मैं जाता तो वहाँ पे, तो उसकी वजह से मैं वहाँ नहीं गया। बाकी यार उनका अपडेट मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मुंशहरी से अपडेट निकल कर आ रही है कि मुंशहरी में ना उनका वहाँ पे नंदा देवी मंदिर है कौन सा है, वहाँ पे वीडियो शूट चला था जिसकी आगे मैं आपको क्लिप चला दूंगा, जो कि मैंने हिमानी कोरंगा जी के YouTube चैनल से उठाई है। बाकी यार अगर आपको पूरा कंटेंट देखना ना, एक बार उनका चैनल विजिट कर लीजिए। बाकी हिमानी कोरंगा जी कॉपीराइट स्ट्राइक भी मार सकती है मेरे चैनल पे, देखते हैं क्या होता है आगे, बट एक रिस्क आप लोगों के लिए बनता है। तो यार वॉइज न्यूज अपडेट ये है कि आज की डेट में 11 जुलाई को ना पवनदीप राजन और अरुणिता मैम निकल चुके हैं अभी चेन्नई की तरफ को। बाकी हिमानी कोरंगा जी ने बताया था कि वो लोग खलिया टॉप को भी जाएंगे, बट वो वहाँ नहीं गए थे बिकॉज पहाड़ों का वेदर आजकल कुछ इस तरीके का ही है कि दूर पहाड़ों का व्यू नहीं आ सकता है। अगर पंचाचूली का व्यू या फिर किसी और चीज़ का व्यू भी लेना था ना उनको खलिया टॉप से, बट वो नहीं आ पाता, इसलिए उन लोगों ने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा उस टाइम पे। बाकी दोबारा कभी आएंगे तो फिर घुमाएंगे उनको। बाकी दोबारा हिम्मत करके ना आपका भाई बोल भी पाएगा, बिकॉज आप लोगों ने ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है। और वो लोग निकल चुके फिर अब चेन्नई को, उसके बाद वो मुंबई को जाएंगे।
तो यही था फिर इस न्यूज़ अपडेट में। बाकी यार आज का डेली ब्लॉग जो है ना वो रूटीन तो हमारा चलते रहेगा, बाकी इन फ्यूचर हमारे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले, तो ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी सावन का महीना भी नज़दीक है यार, तो सावन के महीने में ना पूरे ये पिथौरागढ़ में जितने भी मंदिर पड़ते हैं सावन के महीने में इस बार 5 या 4 सोमवार तो पड़ेंगे, तो 4 के 4 सोमवार में एक एक मंदिर को हम कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे और वहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब कुछ आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी यार ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, बाय बाय।